चलिए नमस्कार, आकिब सीवर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय हमारे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें ये बयां करेंगे आपको, और बहुत सारी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। हम आपको मुख्य ये बातें बता दें कि ये जो पानी टंकी आप देख पा रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा बड़े बड़े जल जीवन हरियाली को लेकर वादे किए जा रहे हैं, मगर ये वादे भी आप देख सकते हैं, ये वादे आपको फेल नजर आ पाएंगे। इस धरातल असर पर यहाँ अभी हम पहुँचे हैं। ये पानी टंकी का हाल हम आपको बताना चाहेंगे। ये पानी टंकी 5 सालों से कम बंद है। कुछ समय के लिए चालू होता है, मार्केटों में भी पानी दिया जाता है, मगर नल सही नहीं होने की वजह से जगह जगह पानी का जल जमाव भी लग जाता है। मगर हम कुल मिलाकर आपको ये बातें कहें कि ये पानी टंकी पर जिस ऑपरेटर को भी रखा जाता है, हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ वो ऑपरेटर भी नहीं है। पानी लाइट देने के लिए, यहाँ से पानी छोड़ने के लिए भी ऑपरेटर जो रखा जाता है, यहाँ वो भी नहीं है। हम आपको बता दें, ये चारों तरफ की तस्वीर हम आपको बता देंगे, आपको ये लगेगा कि किसी हम जंगल झाड़ी में आके खड़े हुए हैं। और यहाँ की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ इधर उधर बिखरे पाइप पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर हम आपको ये बताएं कि अगर बिहार सरकार के अगर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जल जीवन हरियाली को लेकर, आप सभी जान रहे हैं कि ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकता कि जब ये चालू ही नहीं होते तो आप इस्तेमाल क्या करेंगे। तो ये देख सकते हैं, हम ये जगह आपको बताना चाहेंगे। ये पिपराही प्रखंड मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर खाद्यान्न का गोदाम है, जहां उसके पास का ये टंकी पड़ता है। ये टंकी काफ़ी दिनों से बंद है, चालू होने का कोई नाम नहीं। हम आपको ये बताएं कि बिचौलियों के द्वारा, ये आप देख सकते हैं कि बाउंड्री निर्माण करा के भी काफ़ी पैसा निकाला जाता है। हम आपको सारी बातें ये भी बता रहे हैं, हम आपको कुल मिलाकर सारे शब्दों में ये कहे कि ये कहीं ना कहीं ये खानापूर्ति का जगह बन चुका है। जो भी ठेकेदार है, जो भी कुछ है, इसका पैसा निकालते हैं और खाते हैं। कुल मिलाकर हम ये बातें कहें कि कुछ यहाँ के लोग भी, यहाँ के कुछ मिले हुए हैं कि जो टंकी चालू नहीं हो पाते, तो समय पर टंकी चालू नहीं हो पाता, तो वहीं यहाँ की तस्वीर हम आपको टंकी की तस्वीर दिखा पा रहे हैं। यहाँ टंकी जो धरातल असर पर जो कभी चालू ही नहीं होती, लंबे लंबे समय तक ये टंकी बंद रहता है, और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ यहाँ लोग भी मौजूद है, कुछ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये कब से टंकी बंद है। पहले हम यहाँ की तस्वीरें आपको दिखला दी जाए। ये चारों तरफ की आप तस्वीर देख सकते हैं, ये पास का बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये थाना का बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पंपी सेट वगैरह रखने के लिए भी जो बनाया गया है वो बिल्डिंग है। और ये चारों तरफ तस्वीर आप देख सकते हैं, जो पाइप रखा हुआ है चारों तरफ, तो कुछ टंकी के पास भी ले चलेंगे और वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे। कुल मिलाकर हम ये बातें कहें कि ये सब खानापूर्ति का जगह बन चुका है, जो धरातल असर पर हम दिखाई रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो ऑपरेटर को भी रखा जाता है, यहाँ से ऑपरेटर भी गायब है, जो पानी छोड़ने के लिए भी रखा जाता है, मगर ये भी बताया कि वो अपने मानदेय उठाता है और अपने घर पर आराम करता है। तो ये कुल मिलाकर हम आपको ये बताएं। और यहाँ देखिए, हाँ, यहाँ भी एक चीज़ अच्छी तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ की तस्वीर देखिए, टंकी का पानी इस दूसरे के सहारे, जो नल है उसके सहारे गिर रहा है, मगर ये कहा जा सकता है कि टंकी चालू है, मगर पानी यहाँ से छोड़ा नहीं जाता। टंकी तो 5 साल हो जाता है जब पानी छोड़ने में लगता है, कभी कभी होता है कि छोड़ा जाता है, वो भी मार्केटों में इधर उधर पानी हो जाता है। तो यहाँ पानी चू रहा है, यहाँ की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पानी भी चू रहा है। हम आपको ये बताया, ये चारों तरफ की तस्वीर देख सकते हैं। बिहार सरकार के द्वारा तो बहुत बड़े बड़े वादे भी हो रहे हैं, बहुत सारे किसानों के लिए भी बहुत बड़े वादे होते हैं, मगर ये सारे वादे सिर्फ कागजी तौर पर ही समक के रह जाते हैं। कुछ यहाँ के ग्रामीण है, हम उनसे बात करेंगे कि ये क्या समस्या है, आइए हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्याम बाबू गुप्ता। कहाँ मकान हुआ? इसी बगल में सौर है। बताइए, ये टंकी कब से बंद है? चार पाँच बरस जब से बना, उस समय से एक बूंद भी पानी हम लोग को नहीं मिला है। यहाँ पे कुछ कहा जाता है कि कुछ समय टंकी से पानी जाता है छोड़ा, क्या ये सही बात है? छचकाल हो जाता है, पाइप सब फूटा हुआ है, कोई रिपेयर नहीं। इससे आपको कोई फायदा उदा लग रहा है? कोई फायदा नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि आसपास के भी जो ग्रामीण हैं उनका भी कहना है इस टंकी से तो किसी को फायदा दिख ही नहीं रहा है। ये टंकी के पास की तस्वीर है, हम ले चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप देखना चाहेंगे कितनी लापरवाही जाती है यहाँ बरती, कभी कभी टंकी भी चालू नहीं। तो और ये देख सकते हैं, ये पानी गिर रहा है। मगर यही दूसरी तरफ की तस्वीर आप देख सकते हैं, जो कभी टंकी चालू ही नहीं होता, ये भी देख लीजिए, जहाँ पर तालों पर भी बहुत समय से जो जंग लग चुका है, जो कभी कभार खुलता है, ये तो अक्सर बातें यही होंगे कि जंग लगेगा। ये देख लीजिए, लंबे अरसे के बाद ये सब जाता है खोला, ये सारी चीज़ें ये कागजी तौर पर समट के रह चुकी है। ठेकेदार यहाँ आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और अपना खाना पूर्ति का जगह बनाते हैं, निकालते हैं पैसा। और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं, तो ये यही देख सकते हैं आप तस्वीर।
ये कभी टंकी कभी चालू ही नहीं होता। अगर कभी चालू हो जाए तो वो भी कुछ ही समय के लिए चालू किया जाता है। तो चारों तरफ की तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं कि आपको लगेगा कि हम जंगल झाड़ में खड़े हुए हैं। चलिए हम ले चल रहे हैं आगे की तस्वीर, और भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी लापरवाही है यहाँ। बरसों से लग रहा है कि ये टंकी बंद है। आइए कुछ यहाँ के आसपास के कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं।